जय हिंद वंदे मातरम। देश के एक और एयरफोर्स जवानों की तरफ से दुखद खबर सामने। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के किशनपुरा गांव से निकलकर आ रहे हैं। किशनपुरा का निवासी एयरफोर्स का जवान दुष्यंत प्रासर देश की रक्षा करते हुए बंगाल में शहीद हो गए हैं। मथुरा क्षेत्र के गांव किशनपुरा निवासी एयरफोर्स के सैनिक दुष्यंत प्रासर पैराशूट से कूदते समय शहीद हो गए हैं। वह पश्चिम बंगाल के बोलडोगरा में तैनात थे। उनके निधन की खबर से गाँव में शोक की लहर दौड़ पड़ा है। उनका पार्थिव शरीर आज ही के दिन उनका पैतृक आवास पर लाया जाएगा, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ सशस्त्र सलामी देकर शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। किशनपुरा के सुरेश चंद्र प्रासर के दूसरे पुत्र 21 वर्षीय दुष्यंत उर्फ दाऊ एयरफोर्स के वेस्ट बंगाल के बोलडोगरा में तैनात थे। पैराशूट से कूदते समय दुष्यंत शहीद हो गए। सुरेश चंद्र का बड़ा पुत्र हेमंत प्रासर हिंदुस्तान कॉलेज में पढ़ रहे हैं। दुष्यंत मृदाभिष्ट थे। 9 अक्टूबर को दुष्यंत ट्रेनिंग के दौरान पैराशूट से कूद रहे थे। पैराशूट ना खुलने के कारण वह गिर गए थे। दुष्यंत पिछले वर्ष ही उन्होंने एयरफोर्स में नौकरी ज्वाइन किए थे। सोमवार के गांव में जैसे ही दुष्यंत के शहीद होने की समाचार मिले तो पूरे गांव में शोक की लहर व्याप्त हो गया है। दुष्यंत के शहीद होने की जानकारी अभी उनकी माँ की नहीं दिया गया है। आपको बताते चले कि शहीद जवान का आज ही उनके पैतृक आवास पर लाया जाएगा, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किशनपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बताते चलें कि दोस्त पिछले 1-2 महीने में उत्तर प्रदेश के पैराशूट की चपेट में आकर अभी तक 3 या 4 जवान शहीद हो चुके हैं। अभी तक सरकार की कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अगर शहीद जवान दुष्यंत प्रासर के लिए आप लोगों को जरा सा रिस्पेक्ट होगा तो कमेंट में जहीं जरूर लिखना। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।